दीदी हर दिन स्मोक करती है, मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं क्या कैसा लगता होगा। क्या बात है, क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है। किसी गुनहगार की तरह ऐसे क्यों घबरा रही हो तुम? और पीछे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ नहीं है। मुझसे झूठ बोल रही हो? चलो दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। मैंने स्मोक नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी। मैंने ट्राई भी नहीं किया, प्लीज दीदी मुझ पर भरोसा करो। बैठो। एक बार सिगरेट पीने से बार बार पीने का मन करता है, एक बार शराब पियोगी ना तो बार बार पीने की इच्छा होगी, उसी तरह एक बार रोमांस में खो जाओगी ना तो बार बार खोने का मन करेगा। तो मेरी तरह मत बनना, इसलिए इन आदतों से दूर ही रहना। प्यार करोगी तो एक से ही करना, और उसी से शादी भी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी गलत नहीं करूंगी। आपको बताना भूल गई थी दीदी, मेरे बाबू के साथ मेरी शादी फिक्स हो गई है, जल्दी मैं शादी कर रही हूँ। हाँ? मेरी शादी में आपको आना ही पड़ेगा, आप नहीं आओगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। अगर मेरे बगैर शादी करोगी ना तो मार डालूंगी तुम्हें। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी मैं करवाऊँ। ठीक है दीदी। Hi dad. Hi baby. How are you? I'm fine. आपकी डॉटर है क्या? मैं भी एक बार बात करना चाहती हूँ। Okay. Why not? हाँ baby. लीजा नाम की मेरी girlfriend है, वो तुमसे बात करना चाहती है। लो बात करो। हाँ? Hi baby. Hi. How are you? I'm okay. मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। What do you mean? Give the phone to dad. बात करो। हाँ baby. Dad, where is mom? वो अपने फ्रेंड्स के साथ पब गई है, तुम्हें फोन करने के लिए कह दूंगा। By the way, तुम्हें पैसा वगैरह तो नहीं चाहिए? Nothing. Bye. Hi baby, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। आप पब में हो क्या? डैड ने बताया। Yes. वही मेरा क्लासमेट सिद्धू नाम का एक फ्रेंड था ना, तुम बचपन में जिन्हें अंकल कह के बुलाती थी, वही तो हमारे कंपनी के MD है। उन्होंने इन्वाइट किया तो जाना पड़ा, अभी वापस आ गई हूँ। मामी इस वक्त बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बेबी। ओके। कभी याद आती है तब फोन करते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। मेरी खुशी तो कुछ भी नहीं है, लगता है जैसे हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। यहाँ तक कि जानवरों में पक्षियों में भी कुछ दिनों तक तो एक रिश्ता बना ही रहता है, लेकिन मेरे केस में तो ऐसा भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि उनके साथ मेरा कोई रिश्ता है भी या नहीं। तुम ही मेरी सब कुछ हो बिंकी, हम दोनों का रिश्ता अटूट है। थैंक्स दीदी।